हेलो नमस्कार दोस्तों, हाउ टू टेम योर लविंग बर्ड, इस टॉपिक के साथ वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और एक बार फिर से मैं वास्तु एवरी की तरफ से आपके साथ हाजिर हूँ, मुखातिब हूँ आपसे बात करने के लिए इस टॉपिक पर कि आप अपने बर्ड को कैसे टेम्ड कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एग्जांपल अगर लव बर्ड का दे रहा हूँ तो आप ये ना समझें केवल ये लव बर्ड के लिए है। अगर आपको भी, आपके पास भी कोई बर्ड इस तरीके का है, छोटा बच्चा, आप उसको टेम्ड करना चाहते हैं, ट्रेंड करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए, चाहे वो काकाटील हो, कनूर हो, अफ्रीकन ग्रे हो, लव बर्ड हो, फिंच हो, जावा हो, जिसको भी आप टेम्ड करना चाहते हैं, ट्रेंड करना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई बर्ड है या आप उसको रखना चाहते हैं, आप उसको टेम्ड करना चाहते हैं खुद से, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको टेम्ड करने में आसानी हो सके। तो कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा इसके कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो सबसे पहले नंबर एक पॉइंट ये है कि आपको हैंड फीडिंग आनी चाहिए। नंबर दो पॉइंट ये है कि आपके पास एक 15 डेज से ऊपर का चिक्स बेबी, चाहे जिस बर्ड को आप टेम्ड करना चाहते हो, लव बर्ड, फिन, जावा, कॉकटेल, ग्रे वगैरह वगैरह, आपके पास वो होना चाहिए जिस बर्ड के लिए आप। दूसरा, आपके पास तीसरा नंबर, आपके पास टाइम होना चाहिए उसको देने के लिए, समय होना चाहिए कि अभी आप, तभी आप उसके अटैचमेंट में रह सकते हैं, उसको अपने अटैचमेंट में रख सकते हैं। आप उसका लगाव आपसे तभी रहेगा जब आप कम से कम उसको समय देंगे, और कम से कम नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना बड़ा बच्चा भी 3 टाइम तो हैंड फीड करवाना ही पड़ेगा, जबकि 15 डेज से ऊपर का बच्चा जो है कम से कम 4 to 5 टाइम फीड कराना चाहिए। लेकिन आप कितना भी आप कर लेंगे तो 3 to 4 टाइम आपको करवाना ही पड़ेगा। तो आपके पास एक चिक्स होना चाहिए 20 दिन 25 दिन का 15 दिन का, जिसको आप टेम्ड करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जितना कम रिस्क लेना चाहते हैं उतना बच्चा बड़ा होना चाहिए, जितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उतना बच्चा छोटा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है 0 डेज का, 5 डेज का, 10 डेज का, ये साथियों मत पड़ना इनके चक्कर में, मैं करवा चुका हूँ, बहुत परेशानी होती है। इन बच्चों को 7 टाइम हैंड फीड करवाना पड़ता है, ठंड से, गर्मी से, हर चीज़ से बचाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत कठिन होता है जाड़े के समय पे। तो उसके लिए आपको ब्रूडर है, इनक्यूबेटर है, पता नहीं क्या क्या, आपको जो कुछ भी आपको उनको गर्म रखने के, उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए साधनों की ज़रूरत है, वो सब होने चाहिए। तो वो बड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर आप बड़े बर्ड को करा रहे हैं, किसी को, मकाओ को, ग्रे को, तो आप खरीद सकते हैं, सब लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि सपना तो हर आदमी का होता है कि मैं टेम्ड बर्ड रखूँ, हर हॉबिस्ट का होता है, और हर हॉबिस्ट चाहता भी है कि उसके एवरी के अंदर कोई भी टेम्ड हो। ये जो बर्ड है, इसके लिए, इससे पहले भी आपने बर्ड देखे थे, अगर आप उनके साथ अटैचमेंट में रहिए, आपके अगर आपने हैंड फीड पे नहीं भी उठाएं तो उन बच्चों को रोज़ाना देखिए, उठाइए, हाथ पे बिठाइए, उनको प्यार करिए, सहलाइए, फिर छोड़ दीजिए। और कोशिश करें कि अगर आप पूरे टाइम उसको नहीं उठा सकते तो 1-2 टाइम उनको नेक्स्ट बॉक्स में जब है वो, तभी आप हैंड फीडिंग करवा दें, उनको उठाएं, हैंड फीडिंग करवाएं, फिर बिठा दें। ऐसे हमने कराया, ये बच्चा इसी तरीके से टेम्ड हुआ है और काफ़ी अच्छा टेम्ड है, देख लीजिए आप, बड़े हाथ पे बैठा हुआ है। तो आपके पास हैंड फीडिंग का फार्मूला अवश्य होना चाहिए, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। आप कोशिश करें, आपके पास जो सिरिंज नीडल होती है, डिस्पोजल वाली सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन वाली, वो हो, या आप एक मच्छी महंगी भी ले सकते हैं, और कोशिश करें उसका जो पॉइंट है वो बहुत टाइट करके लगाएं, नहीं तो कभी कभी हैंड फीडिंग के समय पे बड़े बर्ड्स में वो पेट के अंदर चली जाती है, तो और ज़्यादा हैंड फीडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस बात का भी आप पूरा ख्याल रखें सही से। तो आपके साथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास हैंड फीडिंग फार्मूला है, निडल है, टाइम है, और उसको रखने के साधन हैं, चाहे वो ऐप बल्ब लगा के कोई डब्बा रखे कुछ। तो दोस्तों, आपको
बर्ड को समय देना है, टाइम टू टाइम हैंड फीड कराना है, तो उसको लगेगा कि आप ही हमारे पेरेंट्स हैं, आप टाइम से उनको भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तभी उसका लगाव आपके प्रति रहेगा और वो आपके पास आएगा। आप जब वो आए आपके पास, कहीं दूर आप छोड़िए उसको और हैंड फीडिंग की निडल अपने हाथ में ले लीजिए, आप उसको बुलाइए इशारे से, वो आएगा। ना आए तो आप खुद उसके पास जाइए, थोड़ा सा दे दीजिए, उसको लगेगा कि मैं इनके पास अगर जाऊंगा तो और मुझे खाना मिलेगा, तो आप थोड़ा सा उसको, जिस समय उसका भोजन का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, उस समय आप उसको दीजिएगा और उसको बुलाइए इशारे से। जब वो आपके पास आ जाता है उसको खाने के लिए कुछ दीजिए। जब आप उसको बार बार ऐसे करेंगे, हैंड फीडिंग कराएंगे या खाने को कुछ भी देंगे, तो उसका जुड़ाव लगाव आपके प्रति रहेगा और आप जब बुलाएंगे तो आपके पास बैठेगा, जैसे कि ये बर्ड मेरे शरीर से बालों से खेल रहा है। और बड़ा प्यारा बर्ड है, ये टेम्ड किया है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये अभी भी टेम्ड है, जब भी मैं इसको खिलाता नहीं हूँ, जब आता हूँ ये मेरे पास आता है, मेरे साथ खेलता है, दोस्तों बहुत खुशी मिलती है उस समय जब इस तरीके के बर्ड आपके पास होते हैं और आप उनके साथ खेलते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो वो भी बड़ा प्रभावित होता है और बच्चों का भी मनोरंजन होता है। मेरे बच्चे इसके साथ खेलते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है टेम्ड करना, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। आप छोटा बच्चा ले लें, उसको हैंड फीडिंग कराएं, उसको समय से ख्याल रखें, उसके अटैचमेंट में रहें, आपके साथ उसका जुड़ाव हो जाएगा। अगर इसके लिए आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो भी बन पड़ेगा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। समय समय पर ऐसी कुछ जानकारियाँ मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो देखने के लिए और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।